तुम्हें नहीं पता, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिला पापो मिला शोना करने में बिजी हैं, उनके लिए बल्कि सभी के लिए ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ब्लू व्हेल गेम रशिया में एक सनकी बंदे ने स्टार्ट करा था, जिसका मकसद था कि जो डीपली डिप्रेस्ड और सुसाइड थिंकिंग वाले बंदे हैं उन्हें अट्रैक्ट करना और उनको सुसाइड करवाना। वैसे इस गेम को स्टार्ट करने वाले बंदे को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी के जस्ट बाद कुछ नासमझ क्रिमिनल्स ने ये गेम दूसरे नामों से भी स्टार्ट कर दिया। इस गेम के दूसरे नाम है जैसे कि अ साइलेंट हाउस, अ सी ऑफ व्हेल्स और वेक मी अप एट 4:20 AM। अभी तक इस गेम की वजह से मोर देन 300 पीपल सुसाइड कर चुके हैं। वो क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि ये गेम उनसे करवाती है। ये बेसिकली एक ऑनलाइन गेम है जो उन लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है जो कि डीपली डिप्रेस्ड होते हैं या फिर हमेशा सुसाइड के बारे में सोचते रहते हैं। ये गेम खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर इस गेम में तुम एक बार एंटर हो गए तो बाहर निकलने का कोई चांस नहीं। उन लोगों के पास तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर बाहर निकलने की सोची तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। जैसे ही तुम इस ब्लू व्हेल गेम में एंटर होते हो, इस गेम का एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हें हर एक दिन एक न्यू टास्क प्रोवाइड करता है जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। लाइक पहले दिन वो तुम्हें कहता है कि तुम अपने हाथ पे 5-7 लिखो ब्लेड से, या फिर 4:30 बजे कोई हॉरर मूवी देखो, या फिर अपने हाथ पे व्हेल सिंबल बनाओ, और कोई भी एक टास्क खत्म करके तुम्हें एक फोटो भेजनी पड़ती है उसके पास एज अ प्रूफ। फिर उसके बाद वो तुम्हें दूसरा टास्क देता है और ये गेम चलती है पूरे 50 दिन। हर रोज एक न्यू टास्क जिससे तुम्हें तकलीफ होती है, दर्द होता है, और लास्ट के 50 दिन पे वो टास्क देता है कि तुम्हें सुसाइड करना होगा। अब देखो, सुनने में ना ये बड़ा बचकाना सा और बेवकूफों वाला काम लगेगा कि यार कोई भी बंदा ये गेम क्यों खेलेगा। मतलब जब उसे पता है कि लास्ट में डेथ हो जानी है, ये सब सीन होने हैं, इतने गलत काम होने हैं, तो कोई भी बेवकूफ ही होगा जो इसे खेलेगा। लेकिन यार जब तुम डीपली डिप्रेस्ड होते हो ना और सुसाइड के बारे में बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है तुम्हारे ऊपर, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना कि वो मजबूर हो जाता है ये गेम खेलने के लिए, क्योंकि 300 लोगों की जान ना ये गेम ऐसे ही नहीं ले सकती। ये गेम बिल्कुल दिल और दिमाग पे काबू कर लेती है, और जैसे ही कोई डीपली डिप्रेस्ड बंदा इसके कॉन्टेक्ट में आता है, एंटर होता है इसमें, बस खेल खत्म, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, और जैसा जैसा टास्क दिया जाता है वो करना पड़ता है मजबूरन। और देखो ये बातें करना इम्पोर्टेंट क्यों है इस टाइम, क्योंकि अभी तक फिलहाल तो ये दूसरी कंट्रीज में हो रहा था, रशिया में हो रहा था और कई अदर कंट्रीज में भी हो रहा था, लेकिन अभी एक न्यूज मिली है कि हमारे इंडिया में भी ये गेम आ चुका है। मुंबई का एक 14 साल का लड़का जिसका नाम मनप्रीत है, वो इस ब्लू व्हेल गेम को खेल रहा था और लास्ट टास्क के मुताबिक उसने अपने फ्लैट की फ्लोर से कूद के जान दे दी। अब सोचो ये गेम किस हद तक मजबूर कर देती है तुम्हें अपनी जान देने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सब पेरेंट्स को अवेयर करें ताकि वो थोड़ा ध्यान रख सके उन बच्चों पर जो लैपटॉप या फिर मोबाइल को रेगुलर यूज करते हैं, और इन बच्चों को वो थोड़ा दूर रख सके इस गेम से। और मुझे पता है मेरी वीडियोस काफी 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे देखते हैं, तो भाई लोग मुझे पता है जिंदगी ने हम लोगों की ले रखी है, बहुत गंदी ले रखी है। चाहे तुम कितने भी डीपली डिप्रेस्ड हो, सोचना भी मत इस गेम के आसपास जाने के बारे में। देखो ये चीजें ना हमारी यूथ को एक्साइट करती है कि यार देखो नई चीज आई है, एक बार ट्राई करके तो देखना चाहिए, चाहे थोड़ा सा हर्ट करे पर एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। नहीं यार बिल्कुल मत करना, ऐसा बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। 300 से ज्यादा लोगों ने यार सुसाइड कमिट किया है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये गेम टाइम के हिसाब से बहुत तेजी से फैल रहा है पूरी जगह पे। देखो इस गेम के बारे में अगर तुम्हें कितना भी कुछ जानना है ना, गूगल पे सर्च कर लो, जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इतनी इन्फॉर्मेशन लो, इस न्यूज को शेयर करो, जिसके साथ भी कर सकते हो उसके साथ करो, ये मैसेज हर पेरेंट्स तक पहुंचा दो ताकि वो अपने बच्चे का ख्याल रख सके। मैंने तुम लोगों तक शेयर करा, तुम्हारा काम है इसे आगे बढ़ाना। जितने भी लोग तुम्हारे करीब हैं उन लोगों को ये न्यूज शेयर कर दो, और यार इन ऑनलाइन ड्रामों से ना थोड़ा बच के रहो, थोड़ा दूर ही रहो इनसे, अभी तो हम यार नन्नी सी जाने हैं, अभी तो बहुत कुछ देखना है लाइफ में। अरे अभी हमने दुनिया देखी कहाँ है यार, मैंने तो अपना यहाँ का दिल्ली भी नहीं देखा अच्छी तरह। तो यार अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखो भाई, आप लोग यार मेरी वीडियो जैसे ही देखते रहना, और अपना ख्याल रखना यार। गुड बाय।